Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बंदे को ना इतनी ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आनी चाहिए। अब देखो, अब उसका भाई आया आसिम का, तो आसिम ने कहना तो था ओ गॉड, कह बेटा ओ शिट करके भागा उसकी तरफ। अपने भाई को ही शिट बोल दिया। कमाल के अंग्रेज हैं यार ये। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ना अभी आज के एपिसोड से ये समझ आया कि मायरा सचमुच बेवकूफ है और बच्ची है। जब मायरा की मम्मी ने उसको इतना साफ शब्दों में बोल दिया कि शहनाज अच्छी है, मायरा वो चीज़ ले ही नहीं पाई और वो बात समझ ही नहीं पाई कि उसकी मम्मी क्या बोलना चाह रही थी। माहिरा तो महा बेवकूफ़ है, या फिर उसको अच्छी तरह से ये दिमाग में घुस चुका है कि बिना पारस के वो कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करके पारस के साथ ही खड़ी रहेगी। और आज शहनाज के पापा ने उसकी बैंड बजाई है, पोल पट्टी खुली है, तो वो वापस से बेवकूफ़ बनी पड़ी है पारस से माहिरा। बाकी सब तो ठीक है, मुझे ये समझ में आया कि पारस की माँ और पारस एक जैसे ही हैं। देखा जाए तो पारस की मॉम का ये कहना कि तेरी ज़िंदगी में 36 आएंगी 36 जाएंगी, मतलब बींग अ वूमेन, वट यू आर ट्राइंग टू से, आप लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे ये स्टेटमेंट उनका अच्छा नहीं लगा पर्सनली, कि आप अपने बेटे को क्या सिखा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। मतलब हो सकता है उनका नज़रिया अलग हो समझाने का, या वो कहना कुछ और चाहती हूँ और ये स्टेटमेंट कुछ और आ गया, आई डोंट नो। खैर अभी वो भी प्रोमो ही दिखाया है, तो प्रोमो से हमें जज नहीं करना चाहिए कभी किसी को। प्रोमो कुछ और ही होते हैं, हकीकत कुछ और आती है सामने, पर मुझे वो स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। प्रोमो जो भी हो, कहावत तो यही थी, 36 आएंगी तेरी लाइफ में, 36 आएंगी 36 जाएंगी, तेरी वाली तेरी माई लेकर आएगी। ये तो प्रॉपरली बोली है वो पूरी लाइन, तो इसका मतलब तो वही निकलता है कि बिल्कुल सही है, घटिया सोच है वो लड़कियों के बारे में। उसका बोलना यही था कि तू खूब लड़कियां पटा ले, खूब ऐश कर ले, ये मायरा जैसी घनी आएंगी तेरी लाइफ में, पर शादी की मत सोचियो, शादी के लिए तेरे लिए मैं ही पसंद करूंगी, बाकी तो ऐसी मायरा जैसी लड़कियों को घुमाता फिर। सीधी सी बात है, यही मतलब है इसकी बात का। ठीक है, बनाए रख, यहाँ भी गर्लफ्रेंड बनाए रख, वहाँ भी गर्लफ्रेंड बनाए रख, खूब गर्लफ्रेंड बनाए रख, कोई मतलब नहीं है, बस शादी के लिए तेरी लड़की मैं लेकर आऊंगी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, संस्कारी प्लेबॉय की मम्मी भी तो संस्कारी होगी ना। मुझे लेकिन माहिरा की मम्मी सही में बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत भी लगी, बहुत अच्छी भी लगी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आई थी, किसी के लिए भी कोई खुंदक लेकर नहीं आई थी, प्योरली अपनी बच्ची को समझाने के लिए आई थी। वो बात अलग है कि उसकी बच्ची गधी है, लेकिन वो समझाने अपनी बच्ची को ही आई थी, बाकी वो किसी के लिए कोई शिकायत लेकर नहीं आई थी घर में, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी सब किसी ना किसी के लिए शिकायत लेकर आए थे, लेकिन उसकी मम्मी किसी के लिए भी शिकायत लेकर नहीं आई थी। माहिरा की मम्मी अच्छी थी, वो तो दिखा उसने काफी सबसे अच्छे से बात की, बट कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि माहिरा जो है घर पे मम्मी को थोड़ा सा दबा के रखती है, ओवर पावर करती है ना, तो वो थोड़ा सा दिखा। लेकिन इतने सालों में पहली बार कोई ऐसा फैमिली भी हुआ है जब पेरेंट्स, मतलब सिर्फ आई थिंक शहनाज के पापा ने थोड़ा सा नाराजगी दिखाई है स्ट्रॉन्गली, या फिर शेफाली जरीवाला के हस्बैंड ने दिखाई है इससे, बाकी सब लोग बहुत अच्छे से आए हैं, बहुत ही प्यार से आए हैं, सबसे मिलके गए हैं, और फॉर अ चेंज सबने सिद्धार्थ को अप्रिशिएट किया है, सब लोगों ने। माहिरा की मम्मी तो कैसे कर रही थी, मैं को हैरानी हो रही है कि मायरा को समझ क्यों नहीं आ रही ये चीजें। उसकी मम्मी हिंट अच्छे से देके गई, वो आपके बात सही है, मायरा की मतलब मायरा ओवर पावर कर रही थी अपनी मम्मी को, वो चीज दिख रही थी, और है बेवकूफ, लेकिन दिमाग है नहीं मायरा में, मुझे ऐसा लगा। लेकिन मुझे कल का एपिसोड सचमुच बहुत अच्छा लगा, और मैं क्यों बोलूं, ये कृष्णा भी बहुत अच्छे से मिलके गया सबसे, कृष्णा भी आया था तो अच्छा लग रहा था, तो वो चीज़ भी अच्छी लगी कि कैसे वो उससे मिला, सबको अप्रिशिएट कर रहे थे, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। मुझे भी यही चीज़ लगी, माहिरा को उसकी मम्मी ने बहुत प्यार से और डिग्निटी के साथ समझाने की कोशिश की, लेकिन माहिरा समझने को रेडी नहीं है, या फिर वो ये पारस के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती, वट एवर द रीज़न इज़। जैसे अभी शहनाज के पापा शहनाज को समझा के गए हैं, तो शहनाज में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, थोड़ा अलग चल रही है वो, थोड़ा उसने उसको सुना है उसके डैड को,
सेम ही चीज़ शहनाज के पापा ने बोली, सेम ही चीज़ है ना माहिरा की मम्मी ने बोली है माहिरा को, लेकिन फिर भी वो समझने को रेडी नहीं है। अच्छा, माहिरा की मम्मी ने भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो पारस की बैंड बजाई है, जैसे शहनाज के पापा ने डायरेक्टली बजाई है तो उसने इनडायरेक्टली बजाई है। और शहनाज के पापा तो मुझे लग रहा था ऐसे मन में तो बहुत भरे पड़े थे, उनका बस चलता तो पारस में सचमुच एक चांटा लगा के चले जाते, ऐसी हालत हो रखी थी उनकी। और मतलब उनका वो पेन भी फील हो रहा था जो पेन शहनाज के लिए फील कर रहे थे, बाप का अंदर से कैसे मन जुझड़ता होगा ना, वो चीज दिख रही थी उनकी उसमें। ये तो मेरे को पराग, तो मुझे ऐसे लगता है इसने जानबूझ के गेम खेला आसिम के साथ में, कि क्योंकि वो शेफाली को परेशान कर रहा था इसलिए आसिम के साथ वो उसके इमोशंस के साथ खेल के गया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। तो पारस जिस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करता है, जो वर्ड्स यूज़ करता है, जिस तरीके से बोलता है, वो बहुत गलत है। इवन कल भी देखा जाए तो जैसे वो बड़े हैं, अगर वो पारस को कुछ कह के चल गए और पारस ने खुद ने एडमिट किया कि हाँ मैंने ये वर्ड्स बोले थे दोनों के लिए, है ना, यू आर एडमिटिंग इट, आप उस चीज़ से डिनाई भी नहीं कर सकते हो, तो आपको फिर चुप रहना चाहिए इवन बाद में भी। लेकिन देख, वो बाद में भी उसके पापा की नेशनल टीवी पे इंसल्ट कर रहा था, किस तरह से जब माहिरा उसको चुप करा रही थी, पारस को गुस्सा आ रहा था और बहुत गलत तरीके से बोल रहा था। जिस तरीके से वो बोल रहा था समझाना है तो अपनी बेटी को, अपनी बंदी को समझाओ, कुछ तो भी वो बोल रहा था उस टाइम पे, तो वो चीजें भी पारस बहुत गलत कर रहा था। पारस इज नॉट अ गुड बॉय, वो सही टैग है संस्कारी प्ले बॉय या जो भी है, मतलब दिल से उतर गया, बिल्कुल ही नीचे ही चला गया शायद पारस, तो अब कहीं उठने वाला ही नहीं है। पारस का बिहेवियर भी बहुत बुरा लगा मुझे सना के डैड के लिए, पारस को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो समझ आ गया, तमीज तो है नहीं। ये बात कितनी बढ़िया है ना, माहिरा की माँ को लगता है कि पारस माहिरा को डाउन कर रहा है, और पारस की माँ को लगेगा कल कि माहिरा पारस को डाउन कर रही है, बोलेगी ना उसको, पारस को, कि जब से तू गॉड फादर हुआ है तू यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो मतलब मेरा माहिरा की वजह से ही वो नीचे आया है, उसका बोलना ये रहेगा। इन दोनों माओं को भी आपस में मिला देना चाहिए था। मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं हुई थी कि शहनाज के पापा ने आरती को नेगेटिव क्यों बोला, नेगेटिव मतलब वो बोला ना उन्होंने कि बेगानी शादी में मतलब तुम दूसरों के मुद्दों में घुसते हो, मुझे वो चीज़ मतलब इसने देखा जाए जितना मैंने अभी तक समझा, आरती ने शहनाज को ज़्यादा कुछ तो नहीं कभी पोक किया या फिर मतलब ऐसे कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ में आरती की वजह से, मुझे वो चीज़ थोड़ी सी समझ के बाहर हो गई कि उन्होंने उसको क्यों गलत बोला। हाँ वैसे सही बात है, ये बात भी सही में सोचने वाली है कि आरती के लिए उसके पापा जाते थे क्यों बोल कर गए, जबकि इतने सही उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उनके पापा के पास सना के लिए, और उन्होंने बोला भी, और भी कई सारे थे जो कि उन्होंने नहीं बोले, उसके बावजूद आरती के लिए बोलना सही में अभी लग रहा है कि हाँ सही में बहुत छोटापन दिखाया उन्होंने इस बारे में। आरती बेचारी बहुत इमोशनल है क्योंकि वो हर एक के घर के मेंबर के आने पे बेचारी ऑटोमेटिकली रोई है। मजे की बात पता क्या है, कल हंसी मेरे को उन लोगों पे आ रही थी जो दो जो ने ना उसमें जेल में कैद थे, सब लोग उनको आके मिल के चुरे रहे थे, कितनी इंसल्ट वाली बात थी उन दोनों के लिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।